हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं हांडवा, जो गुजरात में बहुत पसंद किया जाता है। ये कुछ अपने स्टाइल से बना रही हूँ मैं और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप देख सकते हैं, ये लिया है हमने 1/4 कप ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, 3/4 कप कर्ड और 1 कप सूजी, यानी ये कप या बाउल आप जो भी समझे, सॉल्ट एज पर टेस्ट, इनो 1 पाउच, 1 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, 1 चम्मच अदरक है ग्रेट किया हुआ, 1/2 टीस्पून आप इसको कह सकते हैं, जो ये सिंपल अपन चम्मच घर में यूज करते हैं, 8 से 10 कड़ी पत्ते हैं, और ये शिमला मिर्च है, हरी शिमला मिर्च और येलो बेल पेपर, पीली शिमला मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, 1/4 हमने ले ली है, यानी 1/2 बाउल हो गया है, 1 प्याज को हमने बारीक काट लिया है, 1/2 नींबू लिया है और 3/4 कप पानी लिया है, 3/4 बाउल, थोड़े से हमने तिल लिए हैं और राई ली है चौंकने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये टेस्टी से डिश बनाते हैं। ये हमने एक मिक्सिंग बाउल में सूजी डाल ली है, अब हम उसमें अदरक डाल रहे हैं, अब हम हरी मिर्ची डाल देंगे और जो प्याज कटा हुआ है उसको डाल देंगे। ये देखिए कितना बारीक कटा हुआ है, हमने इसमें चॉपर यूज किया है, उससे बहुत फाइन कट जाता है। और इसमें हम डाल रहे हैं शिमला मिर्च, ये देखिए कितना सुंदर कलर इसमें आया है, नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिएगा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं दही, कर्ड और ये जो पानी है हमने ले लिया है 3/4 बाउल, लेकिन हम इसको मिक्स करके देखेंगे पहले कितने पानी की जरूरत पड़ेगी। यानी हम दही और नींबू मिलाकर, नींबू को स्क्वीज कर लेंगे, जो 1/2 लेमन हमने लिया है, मिक्स करके इसको हम थोड़ी देर रख देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस किया नहीं है तो कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखिए कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है, थोड़ा थिक है, इसी स्टेज पर हम इसको अच्छे से कवर करके ढक करके रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। अब हम इसका कवर हटा लेंगे और इसको देखेंगे। अब हमें इसमें पानी मिलाना है, ये देखिए थोड़ा थिक है, अब हम इसमें पानी मिलाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाएंगे कि कैसा आपको चाहिए। इसको पानी मिला के अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा ताकि एकदम ज्यादा ना हो, वैसे सूजी फूलती है तो इसलिए हमने उसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखा था। ये देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है और इसी समय आप इसमें सॉल्ट टेस्ट कर लेंगे, नमक को चेक कर लेंगे, अगर कम है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, ये परफेक्ट टाइम है सॉल्ट टेस्ट करने का। अब हम इसमें इसको बनाने जा रहे हैं तो हम इसमें इनो का जो पाउच है वो मिला देंगे, इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ये देखिए, और इसको अच्छे से जल्दी से मिक्स करेंगे। देख रहे हैं ना, आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। पैन गरम हो गया है अच्छे से, अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल, हम आधा ऑयल अभी डालेंगे और आधा हम बाद में डालेंगे, तो यानी 1.5 टेबलस्पून हम अब डाल रहे हैं। और इसको गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे राई, 1 चम्मच भर के हम इसमें राई डालेंगे, इसको तड़कने देंगे। ये देखिए राई भुनना शुरू हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे तिल,
ये भी एक चम्मच भर के हमने लिया है, जो स्टील वाली चम्मच आती है जिससे आप खाना खाते हैं। और इसमें हम डालेंगे हम करी पत्ता और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तुरंत ही अभी हम इसमें ये बैटर डाल देंगे। पूरा बैटर हम इसमें डाल देंगे अच्छे से। ये डालने के बाद हम इसको हल्का सा ऐसे चम्मच से ऊपर ऊपर से जो बीच में से उठा हुआ भाग था उसको सेट कर देंगे और इसको कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए हम इसको सिम गैस पर रखेंगे। कवर करने के बाद 15 मिनट सिम गैस पे। अब 15 मिनट हो गई हैं, हम इसको चेक करके देख लेते हैं। और ये देखिए बहुत परफेक्ट ये बनकर तैयार है, बहुत ही बढ़िया। आप साइड से ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में खाइए, ब्रेकफास्ट में खाइए, बहुत ही जबरदस्त चीज। कोशिश कीजिए कि नॉनस्टिक पैन में बनाएं। अब ये निकल गया है, अब हम इसको जो प्लेट है उसमें ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए परफेक्ट, कितना अच्छा बना है। इस पैन में अब हम ऑयल डालेंगे, वही जो बचा हुआ ऑयल है, थोड़ा सा तिल डालेंगे, थोड़ा सा राई डालेंगे, सेम उसी तरह से जैसे तड़का हमने पहले एक साइड लगाया था, दूसरी तरफ इसका तड़का लगाएंगे। तिल भी डाल देंगे, थोड़ा बहुत आप कम ज्यादा कर सकते हैं। हम एक एक चम्मच ले रहे हैं, 3-4 करी लीव्स डाल देंगे। हल्का सा भूनते ही हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे और जिस दूसरी तरफ से हम हांडवा को इसमें रख देंगे। ये देखिए व्हाइट साइड से हम इस तरफ से इसको रख देंगे। ये देखिए परफेक्ट, दूसरी तरफ से भी ये क्रिस्पी हो गया है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसे सर्व करने जा रहे हैं। क्रिस्पी ये हो चुका है, ये देखिए परफेक्ट। और आप किसी भी तरह की चटनी से इसको सर्व कर सकते हैं, हरा धनिया इसमें डाल सकते हैं। आज मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और अब हम इसको नाइफ से कट करके दिखाएंगे आपको, मैं आपको पीस दिखाऊंगी और बहुत यम्मी और बहुत अच्छा लगने वाला है ये। बस आपको तसल्ली से इसको पकने देना है और क्रिस्पी करना है। हरी चटनी, सॉस, इमली की चटनी, जो आपको पसंद है आप उसके साथ खाइए। देखिए गरम गरम कितना बढ़िया है, आशा है आपको पसंद आएगा। ये देखिए फर्स्ट क्लास, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। Thank you.